तो गाइस आज की वीडियो में फिर से मैं आपके लेके आ गया हूँ एक बहुत ही खतरनाक क्रैकर्स की टेस्टिंग जो कि गाइस होने वाला है जोकर ब्रांड का क्लासिक फॉइल्स। तो गाइस देख सकते हैं इसकी बॉक्स की पैकिंग काफ़ी ही अच्छी है और इसमें ऊपर ये दे रखा है कि दूर से आग लगाएं, ज़्यादा पास से ना लगाएं और आग लगा के तुरंत दूर भाग जाएं। ऊपर गाइस ये एक बार कोड दे रखा है जिसमें स्कैन करके आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले सकते हैं कि ये जेन्युइन है लोक की फेक है। और गाइस इसकी एमआरपी की बात कर लें तो गाइस इसकी एमआरपी कहाँ गई मेंशन थी इसमें, इसकी गाइस इसकी एमआरपी है 600 रुपये और ये मेरे को मिला है 120 रुपये का 10 पीस का और एक्सपायरी है इसकी 28 दिसंबर 2030। तो बहुत लंबी एक्सपायरी है गाइस और इसको करते हैं हम आज टेस्ट और इसका सुनते हैं धमाका खतरनाक वाला और आपको भी सुनाते हैं। तो गाइस वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल मेरे नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाना जिससे कि आपको नई नई क्रैकर्स की वीडियो मिलती रहे। गाइस आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ में एक ये बॉम्ब ले लिया है और इसका जो फ्यूज है वो सुप्रीम के जो फॉइल्स वाला है उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो आग लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा दूर हटने का। और लास्ट वीडियो जिसने भी मेरी देखी होगी तो लास्ट वीडियो मैंने सुप्रीम कंपनी का ऐसी फॉइल्स वाला मैंने जो है बॉम्ब टेस्ट किया था, उसकी आवाज़ मेरे को मतलब कि ठीक थी, बहुत तेज़ नहीं थी, ठीक थी। तो इसका धमाका सुनते हैं कि उससे ज़्यादा होता है या उससे कम रहता है। तो आप देख सकते हैं मैंने दीवार में रख दिया इसको, अब मैं लगाता हूँ इसमें आग। आग थोड़ी हवा कम चल रही है तो जल्दी से इसमें आग लग जाएगी। पहला वाला जो इसका जो जोकर ब्रांड का था क्लासिक बॉम्ब कुछ खास नहीं जला, तो दूसरे को देखते हैं टेस्ट करते हैं कि ये वैसे ही जलता है या कुछ और बढ़िया बेटर परफॉर्म करता है। तो सीले हुए दे दिए भैया, बंद हो गया है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इसमें हैवी बम लेने जाएं जो तेज़ आवाज़ के होते हैं वो आप उन्हीं बम को यूज़ करें और इन दोनों ब्रांड के जो फाइल्स वाले जो बॉम हैं उनका जो साउंड है वो थोड़ा कम ही है। तो गाइस मिलते हैं किसी और मज़ेदार नए क्रैकर्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।